तेरे कान के नीचे सच में बैठ गई। खामोश जाओ, चलते बनाओ। अब भी जब अपने साथ सिग्नल पे एक हादसा हुआ, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कल मेरी शूट है, मतलब फिल्म की शूट है समझो, या मैं कैसा बोलूँ भाई। राम गोपाल वर्मा सर 10 कुछ डायरेक्टरों को चूज़ करे, जो डायरेक्टर है उन लोगों को कुछ मतलब एक फ़िल्म सबमिट करना था, तो वो फिल्म में मेरे को लेते बोल के उन्होंने मतलब मैसेज करे, तो मैं ओके बोला, चलो भाई कर लेंगे, उसमें क्या है, ट्राई मारते रहना इधर उधर इधर उधर। तो मैं अब वारंगल से हैदराबाद निकल रहा हूँ, रात के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पे बॉस द बॉस भाई, मैं ज़्यादा देर बना नहीं सकता भाई, मतलब यहाँ से हैदराबाद का रास्ता तो सबको मालूम है, तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करता हूँ मैं ब्लॉग। थोड़ा रास्ता बताया तुम, वहाँ पे रीच होने के बाद ही थोड़ी चीज़ बोलता हूँ, इसके बाद मैं कट। तो लेट्स गो। ना वो क्या ना राइट थैंक यू, ये मेरा दोस्त है, वो ये मेरा खास दोस्त है, सुख कुमार है ना, ये साहब है, ये भाई है। सिगरेट की डब्बी दियो बोल के 10 मिनट हो रहा, चिचा देखो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है भाई। वारंगल से हैदराबाद को 2 टूल गेट आते हैं, उसमें पहला वाला ये है, एक वो शहर है रघुनाथ पल्ली, कुम्माला। अच्छा लग दे रहे भाई सेल लोग, सालों समझ रहे हो आप। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। कल रात में मैं 4 बजे के पहुंचा गया हैदराबाद को, सो गया, अब सुबह के 8:30 हो रहे, जर्री भी नींद नहीं है बाप, अब शूट को जाना है, और शूट बोरा बंडा में है, मैं कहा हूँ लकड़ी का पुल पे हूँ, तो यहाँ से वहाँ देखेंगे। पहले तो यूसुफ भाई के पास जाना है, एम्पायर को जाते रहता हूँ मैं, मतलब उसी भी चीज़ है, तो पहले एम्पायर को जाता हूँ, बाला वाल कुछ भी है कटाना है कटा, तो अभी भी वहीं जाना है, वहाँ जाके इंशाल्लाह शूट कर लेंगे। और यहाँ पे है हमारे मदीबा इतनी और से क्या देख रहे मारी भाई, बिने भी जरा शेट ले रहा था, शूटिंग पे जाना है ना अपने, अपनी एक जॉन की कंपनी भी है भाई अपना जॉन है, जॉन निकाला एक कंपनी, जॉन में से गया मिलके रहना पड़ता मिलके रहना पड़ता भाई टाइम नहीं है, 10:30 को वहाँ पे शूट पे रहना है, अरड़िया 10 बज रहे, इसलिए चप्पल जूते होते एज पे ले रहे, ये मेरा सेकंड होम है, कुछ भी है अपन पहले यहाँ आते कर लेते निकल जाते, चलो गाड़ी भाई। भाई वहाँ पे जिम में शूट हो गई, मैं बोरा बंडा बोल के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था भाई, बहुत से लोग आ मेरे को मैसेज करे, शायद 6-7 लोग आके मिले, शायद मैं किसको भी रिप्लाई नहीं दिया, आई एम सो सॉरी भाई, फिर वो तो टाइम नहीं है, वहाँ पे अत्तापुर पे और एक शॉट है, गए वहाँ पे जाके करना है इंशाल्लाह, मैं फिर कभी बोरा बंडा आया तो पक्का मिलता हूँ। फिर आ गए हम लोग, आगे देखते रहिए। अब भी जब अपने साथ सिग्नल पे एक हादसा हुआ, वहाँ पे मैडी भाई एक डायलॉग छोड़े भाई, क्या छोड़े बोलो, अपने हैदराबाद पे असूल क्या है बोले, तो जब तक अपन गाड़ी रुकाए नहीं या गाड़ियां रुकते नहीं, तो अपने को जुब बोल के कट मार के निकल जाना रहता, तो अपन निकल गए एक अलग फाइन भी आ गई, एक अलग तो हम लोग आ गए सेकंड लोकेशन पे, और भाई अरे अरे भाई की थोड़ा क्या है, अलग एंट्री होती है, और भाई जब चल लेते आते पूरे स्वैग में आते, एक अलग भाई का क्या अलग है थोड़ा,
ये हमारे छोटे फैन भाई, ये कोसा एरिया है, एनमगुड़ा है। फिर हमारे सबसे छोटे फैन है, बहुत क्यूट फैन है। पहले तो विलन का सीन चल रहा भाई, जब शूटिंग है पूरी प्रोफेशनल चल रही है। तो गाइस हमारा एक शॉट हो गया, यहाँ पे मैडी भाई है और ये है अनामिका, मतलब बॉम्बे से है। तो आज हम लोग इनको हैदराबादी सिखाएंगे। अनामिका बोलो क्या हुआ रे, उन क्या हुआ रे, खाता है क्या, खाता है क्या, बैगन बातें क्या कर रहा है, बैगन बैगन की बात कर रहा, बैगन की बात कर रहा। और बोलो भाई, राजा ने कान के नीचे रख लिया, तेरे कान के नीचे सच में बैठ गया। और ये फुगट के बाद आना को खामोश जाओ, खामोश जाओ, चलते बनाओ। तो भाई ये अभी तक शुरू से लगे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो भाई। और एक हफ्ते का दूसरा कुछ भी ब्लॉग डाल के इंशाल्लाह उसके बाद से बॉडी बिल्डिंग सब लोग रेडी रहो भाई। पहले बल्क हुएंगे, फिर जो भी मोटे लोग आए 2 महीने सबर करो, फिर कट करेंगे। जब तुम लोग एक्सरसाइज ना देख लो, अब जो मोटे होने वाले वो लोग ये एक्सरसाइज आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।